22 मार्च को जब एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया था, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 25 मार्च से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। वजह था पूरे विश्व में बढ़ता कोरोना और कोविड-19 का कहर। देश के प्रधानमंत्री ने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने एक चलते फिरते देश को अचानक थाम लिया। जो जहां था वहीं ठहर गया। कोई घर पर था, कोई घर से दूर। रेल, बस, हवाई जहाज, सबके पहिए थम गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। तमाम उद्योग, काम धंधे, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर सब बंद हो गए। ये एक ऐसा मंजर था जिसे किसी ने भी अनुभव नहीं किया था। इस बंद ने असंख्य लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से भी वंचित कर दिया। अकेली पड़ी रहती हूँ, को खाने को नहीं, कुछ क्या खाऊं, पानी पी लेती हूँ, उसे सांस ले लेती हूँ। खाने को फिर जब वहाँ कुछ है ही नहीं, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे वहाँ के लोग, कैसे जिएंगे? कोई कोरोना से मरेगा, हम तो भूख से मर जाएंगे मैडम। ऐसे संकट के समय में जब लोग अपने घरों में अनजाने वायरस के डर से बंद हो गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली हर उस व्यक्ति के पास सहायता पहुंचाने की जिसे उसकी आवश्यकता थी। महामारी नई है, उसने कहर मचाया है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के, मन में भय का लवलेश न रखते हुए, ठंडे दिमाग से कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है, भय से रहित होकर। ये संकट किसी क्षेत्र विशेष का नहीं था, किसी धर्म मजहब पंथ विशेष का नहीं था, इसका किसी जाति विशेष से भी संबंध नहीं था। ये एक ऐसी आपदा थी जो बिना किसी चेतावनी के आई थी। इसीलिए कार्यकर्ताओं के लिए संसाधन जुटाना जहां समस्या थी, वहीं उनका वितरण करना भी चुनौती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। सेवा भारती दिल्ली में 75 किचन के माध्यम से 1,00,000 से अधिक लोगों को भोजन करा रही है दोनों समय का। कोई तकलीफ नहीं है, बराबर खाना मिल रहा है और तीन तीन टाइम मिलता है। नागपुर महानगर में 12 भाग है, 12 भाग में 38 नगर है। हर 38 नगर में एक केंद्र बनाया गया है जहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से वहाँ चावल दाल ऐसे इकट्ठा करके पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे पैकेट्स बनाकर हम उनके यहाँ पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग घर में बैठे हैं भूखे, संघ वाले बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। 3 दिन से खाना सुबह शाम मिल रहा है यहाँ।
कोई दिहाड़ी नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई फाका कशी का शिकार भी होने जा रहे थे। और यहाँ पे आज ये आरएसएस की एक तंजीम आई और इन्होंने यहाँ के इन गरीब लोगों को जो राशन वगैरह मुहैया करवाया। हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा, जो असुविधा हो रही है उनको असुविधाओं को दूर करने के लिए उसकी पूरी मदद की जाए। जहाँ पे 90% हमारा मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ पे कोरोना के लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक हम लोग मिल के कुछ गरीब तबके के जो श्रमिक है उन लोगों को, मुस्लिम भाइयों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। हम सबकी माटी एक है, इस सेवा भाव से सेवा भारती के लोग और हमारा नारा भाईचारा मिशन के लोग जो ये कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। सेवा कार्य की शुरुआत हो गई। आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं ने तेजी से इसकी योजना बनानी शुरू कर दी। हम उस स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं। क्योंकि संघ स्वयंसेवकों को शाखा में से यह संस्कार मिलता है कि मैं समाज का अंग हूँ, समाज मेरा अपना है, तो समाज के हर समस्या संकट के समय मुझे सहायता करनी है और मेरा योगदान करना है अपना समाज मानकर। इसको संघ में वयं राष्ट्रांग भूता का संस्कार हम कहते हैं, और इसलिए स्वयंसेवक जगह जगह पर सक्रिय होता ही है। उसी तरह इस कोरोना के महामारी में भी संपूर्ण देश में उन्होंने अनेक प्रकार के सेवा काम किए, अनेक करोड़ों लोगों को फूड पैकेट दिए हैं, किट्स दिए हैं, लाखों प्रवासी मजदूरों को उन्होंने सहायता की है। इसके अलावा समाज का जो वर्ग उपेक्षित है, किन्नर समाज है वगैरह, ऐसे सभी समाज के वर्गों के पास जाकर उनकी सहायता की है। समस्या किसी एक गली, मोहल्ले या शहर की नहीं थी, पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था। जो लोग अपने घरों से दूर किसी और राज्यों में काम करने के लिए गए थे, वो अचानक आए इस संकट से घबरा गए। कल क्या होगा, इस डर से वो अपने घरों को लौटने को विवश हो गए। ना कोई साधन, ना कोई सहारा, बस अपने घर पहुंचने का एक कठिन संघर्ष। इसने सरकार का संकट और बढ़ा दिया। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में प्रवासी जमा होने लगे। ऐसे समय में सेवा कार्य में लगे लोग तुरंत वहां पहुंचे। पुलिस प्रशासन के लोग जहां भीड़ को अनुशासित करने में लगे थे, वहीं कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए दिन रात उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आनंद विहार में जब ध्यान में आया तब संघ के स्वयंसेवकों से प्रशासन ने कहा, तो तुरंत सबके लिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई, कुछ मेडिकल व्यवस्था भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके 5,000 बसेस की व्यवस्था करते उनको अपने अपने स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था हुई। अभी यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग दिल्ली से प्लान करके गांवों की ओर जा रहे हैं, रास्ते में आने की सुविधा हो, यहाँ पर सुविधा हो, ऐसे पैकेट हम यहाँ पे आनंद विहार हो सकते थे। बड़ी मात्रा में ऐसे सामान यह जाने वाला है। इनको नहीं मालूम कि ये कब कहाँ पहुँचेंगे, इनके पास में जेब में पैसे नहीं हैं, भोजन करने के लिए किसी भी प्रकार का खाद्यान्न इनके पास में नहीं है। ऐसे लोगों को भोजन कराने के लिए राष्ट्रीय सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में आके भोजन वितरण कर रहे हैं। वहाँ मौजूद लोगों के लिए पानी खाने की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध, साथ ही मोबाइल मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करा रहे थे।
भोजन की आपूर्ति, स्नान आदि की आपूर्ति और स्वयंसेवकों को करते हुए जब समाज ने देखा तो व्यापारियों को लगा कि हमने भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो बड़े शहरों के अंदर उन्होंने अपनी उन्होंने देखा ये 100-100, 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे, तो इनके जूते फट गए हैं, चप्पलें टूट गई हैं, तो क्या हम इनकी ये पूर्ति कर सकते हैं। तो समाज का एक ये जो एक श्रेष्ठ स्वरूप है ये वहाँ पर देखने को मिला कि बिना मांगे व्यापारियों ने अपनी दुकानों से इनकी ऐसी आवश्यकताएं अन्य प्रकार की जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन समाज ने उसके बारे में विचार किया और स्वयंसेवकों के माध्यम से उनके स्टॉल्स के ऊपर ये सब प्रवासी मजदूरों के लिए भी और जूते चप्पल आदि की भी व्यवस्था सम्मानजनक रीति से की गई। कार्यकर्ताओं की मदद से प्रशासन ने वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। और एक बड़ा संकट टल गया। संकट काल में जब सरकार ने प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियां चलानी शुरू की थी तो घर लौट रहे लोगों के लिए पानी एवं भोजन की व्यवस्था भी कार्यकर्ताओं ने की ताकि सफर में उनकी परेशानियां कम हो सके। सरकार ने बहुत सारी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हुई हैं, जो मुरादाबाद से ट्रेनें गुजर रही हैं उसमें कुछ सरकार अपने माध्यम से प्रयास कर रही है और कुछ हम लोगों ने यहाँ पर भोजन देने की योजना बनाई है संघ के माध्यम से। सेवा भारती हमारा प्रकल्प है, इसमें आज हम लगभग 10,000 लोगों को ये भोजन और एक पानी की मिनरल वाटर की बॉटल दे रहे हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, बम्बई से, यहाँ से लगभग 20 से 25 बसें रात में यहाँ करके इकट्ठा होती हैं। मजदूर भाइयों की सेवा में यहाँ पर हम लोग भोजन पैकेट, फल, जूस, बच्चों के लिए दूध, अगर कोई पथिक जो है बिना चप्पल पदवेश का जा रहा है तो उसको हम लोग स्लीपर चप्पल, किसी के सर पर गमछा नहीं है उसको गमछा उपलब्ध कराया जाता है। हमारे पास 24 घंटे यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, अगर किसी यात्री को किसी प्रकार की सुविधा होती है तो उसको गंतव्य स्थान तक उचित सुविधा दे करके उसके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सेवा का दायरा निरंतर बढ़ रहा था, ऐसे में कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और एक ऐप भी बनाया जिसके माध्यम से संकट में फंसे लोग अपनी आवश्यकता उन तक पहुंचा सकते थे और कार्यकर्ता उनकी अपेक्षित मदद कर सकते थे। डॉक्टर वगैरह से कोई बात नहीं की, वो नॉर्मल चला गया। ये बड़े संकट से अपना देश और सारी दुनिया गुजर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर एक उत्कर्ष नाम के ऐप को प्रारंभ किया है। हमारे पास जो कॉल्स इस पे आ रही है उसमें लोगों को भोजन चाहिए, किसी को दवा की आवश्यकता है, किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं लेकिन अलग रहते हैं, उनके पास पहुँचाना है, उनको अपने पास बुलाना है, किसी का बच्चा कहीं रहता है। ऐसी कॉल्स भी आई हैं कि किसी का पेट बीमार है या घर में कोई बीमार है उसको अस्पताल पहुँचाना है। तो ऐसी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये 100 से अधिक कार्यकर्ता कॉल रिसीव करते हैं। हमारे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी 2 दिन पहले, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें हमने हर जगह ट्राई किया पर हमें एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर पाए, तो हमने सेवा भारती की हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो उन्होंने 20 मिनट के अंदर हमें अपनी एम्बुलेंस मेडिकल वैन भेज दी। मोहन जी आए थे उनके साथ में और हमें पूरा सहयोग दिया। सेवा का ये सिलसिला पूरे देश में चल रहा था। उत्तर पूर्व के जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उन्हें भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे। My special thanks to Seva Bharati RSS for providing food and water at NJP station for to all the travelers. देश के दूसरे हिस्सों में फंसे उत्तर पूर्व के लोगों की मदद तो की ही गई, लेकिन अगर कोई घर के लिए निकल गया था
उसको भी सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने में मदद की गई। थैंक्स टू एबीवीपी पुणे महाराष्ट्र फॉर हेल्पिंग अस रिगार्डिंग फूड्स एंड वंस अगेन थैंक्स यू सो मच। कई इलाके ऐसे थे जहां सामान्य परिस्थितियों में शायद कोई जाता ना हो। दिल्ली का जीबी रोड, जहां देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं इस संकट का सामना कर रही थी, वहां भी सेवा भारती के कार्यकर्ता मदद के लिए पहुंचे। तो इनको खाने की जरूरत है, तो जरूरत को हमने समझा, तो फिर हमने यहाँ का सारा सर्वे करवाया इन एरियाज का, हमारे वर्कर्स थे एक एक के अंदर, तो हमने 986 की लिस्ट बनाई है जिनको हम ये आज का खाना देने जा रहे हैं। तो सेक्स वर्कर हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया काम करना, कि दूसरे लोग उसमें काम करने से कतराते थे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और एक बार हमारे भाई और बहनें वहाँ पहुँच गई, उसके बाद में हमारा इतना अच्छा रेपो बन गया, उनको लगा नहीं कि ये लोग बाहर के लोग हैं हमारे साथ में काम कर रहे हैं। उनको भी इतनी खुशी हुई कि ये हमारे अपने भाई आके हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, उसमें से बहुत से सेक्स वर्कर ऐसे हैं कि अब जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो सोच रहे हैं, और हमारा कंटिन्यू उनके साथ संपर्क है। अब खाली संपर्क राशन किट या खाने तक का नहीं है, अब वो संपर्क हमारा उनका बौद्धिक वैचारिक और उसको समाज के अंदर में मान्यता कैसे करें उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेवा करते समय सिर्फ एक लक्ष्य, हर उस व्यक्ति या परिवार तक पहुंचना जिसे सहायता की आवश्यकता है। राशन में हमने एक पैकेट बनाया है जिसके अंदर रिफाइंड की बोतल है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 1/2 किलो दूध का पाउडर है, चाय पत्ती है, मसाले हैं, इस तरह के सब पूरी व्यवस्था मिलती है। संकट के इस काल में गर्भवती महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा भारती ने विशेष पौष्टिक किट का वितरण किया। ऐसे दिन में बार बार जल्दी जल्दी हाथ धोने हैं, आपने खाना है ये। एक और बच्चा आने वाला है ना। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वो पूरी हमने किट तैयार करी। किट के अंदर ये दूध का पाउडर है, ये च्यवनप्राश है, ये ड्राई फ्रूट है, ये देसी घी है, जूस वगैरह भी है। देश भर में सरकार अपने संसाधनों का उपयोग लोगों की मदद में कर रही थी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, नर्स या दूसरे लोग निरंतर अपने प्राणों की परवाह किए बिना लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन आवश्यकता इससे कहीं अधिक की थी। यहाँ भी स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर उनकी सहायता के लिए हाथ बटाए। पिछले 20 दिन से आरएसएस द्वारा मुंबई की बस्तियों में सेवा कोरोना स्क्रीनिंग कैंप चालू है, इसमें मैं पहले दिन से सहभागी हूँ। धारावी में हमारे तकरीबन 50 टीम्स अलग अलग जगह पे काम कर रही है, उनका टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,000 लोगों का स्क्रीनिंग आज हो सकता है। संघ ने और बीएमसी ने मिलकर जो ये अभियान चलाया, इसमें काम करके बहुत मजा आया, समाज के लिए कुछ देने का ये अच्छा अवसर मिला। सेवा कार्य में लोगों की चिंता करते हुए कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े लोगों के बीच पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क आदि का भी वितरण किया। कोविड-19 के आउटब्रेक में कुछ सोचा और हॉस्पिटल के लिए कुछ सामान दिया, जैसे कि पीपीई किट्स। ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बहुत ही एसेंशियल एक फाइटिंग इक्विपमेंट है, और डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ इसके बिना काफ़ी हम नहीं अलाउ करते कि कोई भी पेशेंट देखा जाए जो कि सस्पेक्टेड हो या पॉजिटिव हो। आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद देता हूँ आरोग्य भारती को और सेवा भारती को, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और पुलिस फोर्स के बारे में सोचा। इस सेवा कार्य के कई आयाम थे। कुछ ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति या परिवार थे जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गए थे,
उनके यहाँ ऐसे लोग नहीं थे जो बाहर से उनके लिए भोजन या दवाइयों की व्यवस्था कर सके। स्वयंसेवकों ने प्रत्येक मोहल्ले में ऐसे घरों परिवारों की पहचान की और उन सभी घरों तक जाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। इस कार्य में सेवा भारती के साथ संघ प्रेरित कई अन्य समाजसेवी संगठनों ने भी अपना योगदान दिया। सेवा भारती से ही मुझे प्रेरणा मिली है और सेवा भारती बहुत अच्छा काम कर रही है। लास्ट सेवा भारती से मैं खुद भी 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं सेवा भारती से ही सीखा है। मैं सेवा भारती का बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे एक फ़ोन कॉल पे तुरंत सारे लोग आ गए और ये राशन बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ये अफगानिस्तानी रिफ्यूजी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सेवा भारती को, जो एक बहुत ही अच्छा मानवीय काम कर रहे हैं। सेवा कार्यों में सहयोग के लिए समाज के अनेक लोग भी जुड़ते गए। जम्मू की एक मुस्लिम महिला ने अपने हज के लिए जोड़ी सारी जमा राशि सेवा कार्यों में अर्पित कर दी। घुमंतु समाज के लोगों ने तो सेवा भारती की ओर से दी जा रही मदद को लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी ओर से सेवा कार्यों के लिए राशि अर्पित की। सेवा भारती को एज एन एनजीओ फॉलो कर रहा था, तो मैंने सोचा टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड यू नो टू गेट अ मींस ऑफ बीइंग एबल टू डू दैट, मैंने सेवा भारती को कांटेक्ट करा और अब मैं उनके साथ और उनकी टीम के साथ यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी है। कोरोना के जिस समय महामारी चल रही है, इसमें साधन संपन्न लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी एक सब्जी वाला टकरा गया। उसने कहा कि मैं आपका कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। हमने पूछा क्या सहयोग करोगे, आप करिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो उसने अपनी रेडी की सारी सब्जी और हमारी गाड़ी के अंदर डाल दी और उसने कहा कि मेरी तरफ से आज ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। ये आपदा वैश्विक थी। दुनिया भर में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सेवा कार्यों में सहयोग किया। कोरोना मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए, जिसके माध्यम से प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा सका। क्योंकि जो लोग हैं वो लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनेशन के लिए जा नहीं पा रहे हैं और इस समय में ब्लड की आवश्यकता लगभग वैसी ही शायद बनी हुई है जैसी एक नॉर्मल कंडीशंस में रहती है। तो फिर जब उनका प्रपोजल आया हमारे पास तो हमने आपस में बात की और उसमें ये तय किया कि हमें ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आज की समय की आवश्यकता के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस रोग की भयावहता मरीजों के जीते जी ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। इसी कारण से जब परिवारजन अंतिम संस्कार के लिए साथ नहीं जा पाए तो सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए ऐसी पुण्यात्माओं को सद्गति प्रदान करने के लिए उनके अंतिम संस्कार को संपन्न कराने का दायित्व लिया। लॉकडाउन के कारण से जैसे परिवार की ध्यान निकटता आई, परंतु ध्यान में आया कि कोरोना के कारण से जहाँ जहाँ देहांत हुए, मृत्यु हुई, क्योंकि कोरोना का भय इतना अधिक था कि व्यक्ति उसके पास जाने से भी, अस्पताल में जाने से घबराना, संस्कार करने के लिए घबराना, इस प्रकार से लोगों ने दूरियां बनाई। परंतु बहुत से लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को संपर्क किया इस प्रकार से, और अपने कार्यकर्ताओं ने भी इस संस्कारों के अंतर्गत अग्रसर होकर ये सारा काम किया। कोरोना पीड़ितों के लिए सेवा कार्यों के बीच कार्यकर्ताओं ने सभी प्रकार के पशु पक्षियों के लिए भी चारे दाने आदि का प्रबंध किया। इस
इस संपूर्ण सेवा कार्य का उद्देश्य न केवल लोगों की तात्कालिक समस्याओं को दूर करना था, बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए भी उन्हें तैयार करना था। यमुना खादर में बसे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से उनके बीच सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। राखी बनाना सिखाया गया, पीपीई किट और मास्क बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। सेवा भारती की तरफ से जो स्वावलंबन का चलाते हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि रहे ना निर्भर बने आत्मनिर्भर, तो इसीलिए हम लोगों ने इनको ये ऐसे काम देने का सोचा जिससे ये लोग अपने पैरों पे खड़े हों और अपने आत्मनिर्भर बन सके और उसके बाद ये लोकल यहीं रहकर कुछ काम कर सके। स्वरोजगार की दृष्टि से देश के कई शहरों में लोगों को सब्जी फल आदि बेचने के लिए रेहड़ियां उपलब्ध कराई गईं। स्वयं सेवकों के अथक प्रयासों से संकट का ये समय निकल गया। बिना किसी यश की इच्छा किए लाखों कार्यकर्ताओं ने इस कार्य में अपना योगदान दिया। June 5, 2020 तक भारत में राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा किए गए कोरोना काल के सेवा कार्यों को समग्र रूप में देखना हो तो उनके प्रयासों से 92,656 सेवा स्थानों पर 5,07,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने 73,81,802 परिवारों में राशन किट का वितरण किया। ऐसे ही 4,66,00,000 से ज्यादा भोजन पैकेट और 89,00,000 मास्क का वितरण हुआ। 1,91,000 अस्थायी निवासों में सेवा कार्य, 19,42,000 से अधिक अन्य प्रांतीय सहायता, 60,000 से अधिक यूनिट रक्तदान, 59,91,000 से अधिक पैकेट आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। इसके अलावा 2,67,000 से अधिक घुमंतु जनों की सहायता की गई। प्रवासी मजदूरों हेतु प्रमुख मार्गों पर सहायता के लिए 1,778 भोजन वितरण केंद्रों पर 44,00,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं की सहायता की गई। 483 मेडिकल सहायता केंद्रों पर 1,45,000 से अधिक श्रमिकों की चिकित्सा का समुचित प्रबंध हुआ। बस रेल यात्रा आदि के लिए 935 सहायता केंद्रों पर 9,18,000 से अधिक श्रमिकों की सेवा की गई। ये सेवा कार्य यहीं थमे नहीं हैं, जहां आवश्यकता पड़ी वहां ये सेवा कार्य आज भी चल रहे हैं। ऐसे सेवा कार्यों को करते हुए कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सेवा कार्य ठहरे नहीं। वो तो मानव कल्याण के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए नदी की अविरल धारा की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्य किसी भी आपदा से अंतिम मनुष्य के प्राणों की रक्षा करना। संपूर्ण देश कोरोना महामारी के प्रकोप से उबर पाए, यही संकल्प यही लक्ष्य है हर एक स्वयं सेवक का, प्रत्येक कार्यकर्ता का। भगवान का काम माना जाता है जो लोग सेवा करते हैं, तो आप सब रियल हीरोज हैं और मैं सैल्यूट करता हूं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सेवा भारती और उससे जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं को। भगवान के बाद अगर मैं किसी की भी करना चाहता हूं आरती, तो वो है सेवा भारती, सेवा भारती, सेवा भारती।